जरूरी। तो क्या आपका भी सर एक्टिव एंड पैसिव के नाम से चकराने लगता है? तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि आज मैं आपको इतने इजी वे में बताऊंगी कि आपको इजीली समझ आ जाएगा एंड आपके दिमाग में छप सा जाएगा। एनीवेज, हम आज बात करने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में, क्योंकि हमने लास्ट टू वीडियोस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस कवर कर लिया था। आई होप कि आपने देख लिया होगा, एंड अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले हम देखेंगे रूल को एंड फिर बनाएंगे सेंटेंस। तो हमारा सेंटेंस है, ही विल राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखेगा। तो रूल में सबसे पहले क्या लिखना है हमें? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? अ लेटर। तो हम लिखेंगे अ लेटर, राइट। एंड हमें लगाना है विल या शैल, तो जो अ लेटर है इसके साथ लगेगा विल, क्योंकि सिर्फ आई और वी के साथ ही शैल लगता है, राइट। तो अ लेटर विल। फिर हमें जोड़ना है बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटर्न। अ लेटर विल बी रिटर्न, सब में बाई लगाना है, इसमें भी हम बाई लगा देंगे। एंड जो हमारा सब्जेक्ट ही था वो ऑब्जेक्ट बनेगा हिम, तो हमारा पैसिव क्या बन जाएगा? अ लेटर विल बी रिटर्न बाय हिम। आई थिंक कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। एंड हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, आई विल ईट अ मैंगो, मैं एक आम खाऊंगी। तो ऑब्जेक्ट क्या है? अ मैंगो। हम क्या लिखेंगे? अ मैंगो। फिर लगाना है विल या शैल, तो ऑफ कोर्स हम विल लगाएंगे, अ मैंगो विल। फिर आंख बंद करके हमें लगा देना है बी, अ मैंगो विल बी। एंड ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, अ मैंगो विल बी ईटन। फिर लगा देना है बाय। एंड जो हमारा सब्जेक्ट था उसे ऑब्जेक्ट बनाना है, तो सब्जेक्ट क्या था? आई। तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा मी, अ मैंगो विल बी ईटन बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही विल प्ले अ मैच, वह एक मैच खेलेगा। सबसे पहले क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? अ मैच। हम लिखेंगे अ मैच, अ मैच के साथ लगेगा विल, अ मैच विल। आंख बंद करके क्या लगा देना है? बी, अ मैच विल बी। एंड लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, अ मैच विल बी प्लेड देन बाय। एंड हमने क्या लिखा था? ही, तो ही का ऑब्जेक्ट बनेगा हिम, अ मैच विल बी प्लेड बाय हिम। अगला सेंटेंस है, दे विल टीच हिम, वे उसे पढ़ाएंगे। तो जो है हमारा ऑब्जेक्ट है वो हिम है, तो हिम का जो सब्जेक्ट बनेगा वो बनेगा ही। ओके, सबसे पहले क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। तो हिम का क्या बनेगा? ही। हम लिखेंगे ही, ही के साथ क्या लगेगा? विल, ही विल। फिर क्या लगाना है? बी, ही विल बी। एंड टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, ही विल बी टॉट। फिर लगाना है बाय। एंड अब जो सब्जेक्ट था हमारा दे, तो ऑब्जेक्ट बनेगा देम, तो पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा? ही विल बी टॉट बाय देम, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है, रिया विल सिंग अ सॉन्ग, रिया एक गाना गाएगी। एंड हाँ, इस सेंटेंस को आप मेरे साथ मुझसे पहले कोशिश कीजिए कि आप निकाल के लिख पाए। ओके, तो ऑब्जेक्ट क्या है? अ सॉन्ग, राइट। आप लिख लेंगे अ सॉन्ग, एंड अ सॉन्ग के साथ क्या लगेगा? विल, अ सॉन्ग विल प्लस बी, अ सॉन्ग विल बी। एंड सिंग की थर्ड फॉर्म संग, अ सॉन्ग विल बी संग। फिर क्या लगाना है? बाय। एंड जो नेम होता है वो चेंज नहीं होता है, तो रिया ही हम लिख देंगे, तो पूरा क्या बन जाएगा? अ सॉन्ग विल बी संग बाय रिया। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस है, यू विल रीड अ बुक, तुम एक किताब पढ़ोगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है? अ बुक। एंड हम लगाएंगे विल, अ बुक विल प्लस क्या लगाना है? बी, अ बुक विल बी। एंड जो लगाना है वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, तो हम लिखेंगे अ बुक विल बी रीड प्लस बाय। अब लिखना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है यू, एंड जब इसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ही है यू ही रहेगा, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? अ बुक विल बी रीड बाय यू। एंड लास्ट सेंटेंस है, सी विल कॉल यू, एंड ये सेंटेंस आप कमेंट करेंगे बना करके। एंड आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, एंड अगर पसंद आई होगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।